Please give us a brief introduction of your company. So, was Chadha Papers was came into production in 1991, और family issues के करके 2004 में शायद 2008 में बंद हो गई थी. 2013 में exchange hand within the family, and 2013 से इसे मैं देख रहा हूँ और चला रहा हूँ. इसमें हम writing, printing के और craft grades manufacture कर रहे हैं, namely absorbent. क्राफ्ट में थोड़ा सा हमने पेपर बैग अभी शुरू करा है पिछले एक साल दो साल से, और राइटिंग प्रिंटिंग में हम लोग स्टेबल सप्लायर्स हैं टू मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया एंड मार्केट ऑफ कोर्स. द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड वेस्ट पेपर हैज सीन सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन रिसेंटली ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल. इन लाइट ऑफ द अनस्टेबल प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड वेस्ट पेपर, हाउ हैज Chadha Papers successfully manage the functioning of its plant? देखिए, it was tough, no doubt. In fact, जब craft का एकदम से price slide हुआ about $200 to $300 within a month, span of 2-3 months, that was the toughest time for us. We lost a lot of money in that. But फिर भी हमारे जो partners हैं और जो हमारे suppliers हैं, they stood by us, and I mean नए रेट्स पे नया माल दे के, और मतलब हमने भी मार्केट में अग्रेसिव होके उस प्रॉब्लम को केटर करा. कोविड वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस बिकॉज राइटिंग प्रिंटिंग चल नहीं रहा था, एंड बट आफ्टर कोविड आई थिंक राइटिंग प्रिंटिंग इज नाउ इन अ मच मोर स्टेबल पोजीशन, एंड दैट इज ऑल्सो हेल्प्ड अस इन अ वे टू कम बैक, बाउंस बैक. डू यू बिलीव दैट ओवर कैपेसिटी पोजेस अ थ्रेट टू द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द पेपर मिल, गिवन द current challenges with the overcapacity that are impeding their ability to produce paper? 101%. It is, I mean, we still keep hearing about new capacities coming into the market. क्या market cater करने के लिए या क्या सोच से आ रहे हैं, अभी मुझे doubt है, because अभी आप मानेंगे 18BF ऐसा एक product है जो हम forego कर चुके हैं. हम लोग खुद अपनी capacities को अलग products में shift करने के लिए strive कर रहे हैं, नेमली कप स्टॉक बनाना चाह रहे हैं, ब्लीस्ट क्राफ्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं. पेपर बैग में हम ऑलरेडी काफ़ी अग्रेसिव और एक अच्छा मार्केट शेयर ले चुके हैं नॉर्थ इंडिया में. इनफैक्ट हमारा पेपर बैग इज़ नाउ डूइंग वेरी वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, राइटिंग प्रिंटिंग रेट्स को भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड देखते हैं. दीस डेज अ लॉट ऑफ पेपर मिल्स आर मेकिंग investment in non-traditional paper products in an effort to increase their profits and product offering. Does Chadha Papers intend to invest in same way, or it has already made investment? बिल्कुल, हम लोग value addition के लिए हमेशा strive कर रहे हैं और करते रहेंगे. जैसे मैंने आपको बोला, cup stock, bleach stock, और अभी हम C-grade absorbent बना रहे हैं. We are adding new machineries to recycle various types of raw materials available in the market. We are also going in for this eco-friendly plastic usable boiler from Thermex, जो अभी अप्रूव हो गया है, सब यूज़ कर रहे हैं. तो इन दो चीज़ों को लेके हम कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर तरफ काम कर रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द मेजर थिंग दैट वी सी इज वी आर सेटिंग अप न्यू कोटिंग लाइन्स टू मेक फर्दर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक थर्मल पेपर एंड C1S एंड सब्लिमेशन पेपर. अपार्ट फ्रॉम दैट, we are also looking at biodegradable cup stock coating. I think that is the future, because PE किसी भी time ban होने की position में है, दो चार state में already आवाज़ आ चुकी है. And अगर ये सब innovation नहीं करेंगे, especially you know being a mill which is up north, मुझे future बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है. What is your opinion of the current varying state of India's paper export? Will all paper exports from India be discontinued in the near future? Or will just high quality paper be allowed to leave the country? क्वालिटी पेपर का तो हमेशा वैल्यू रहेगा ही, तो उसके लिए तो स्ट्राइव करना ही पड़ेगा. बट ओवरऑल सी, आई थिंक इंटरनेशनल सिनेरियो में फ्यूल प्राइसेस प्ले अ बिग रोल. अगर यूरोप में फ्यूल प्राइसेस में कोई इशू आता है, तो आई थिंक देर इज़ अ गुड चांस फॉर इंडिया टू गेट अफ्रीका और द गल्फ मार्केट.
तो उसके ऊपर बेस कर सकते हैं। बट इन दी एंड अगेन जिसके पास बिकॉज इतनी ओवर कैपेसिटी आ गई है, जिस मिल के पास क्वालिटी रहेगा वही अपनी जगह बना पाएगा। मैनी बिग रिसाइकलिंग पेपर कैपेसिटीज आर कमिंग अप इन द यूरोप एंड अदर रीजन्स विच आर मिटिगेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ पेपर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। दिस डाउन इन पेपर एक्सपोर्ट इनहेंसेस द इंटेंसिटी ऑफ पेपर डंपिंग इन इंडिया। Indian paper mills have been struggling with overcapacity already. How do you take this? Do you think the overcapacity will be set off against the annual growth of the paper mills in some year? Please elaborate. बिल्कुल डाले वही मैं कह रहा हूँ, value added का ही जमाना है। तो growth will always be there, but I still feel now we are hearing that Morbi finally a few craft mills have taken the call of shutting the plant. I think it's a very wise decision. पैसा जला के तो कोई फायदा नहीं। वाटर इशू इज द अनवांटेड प्रॉब्लम इन द पेपर, स्पेशली पेपर फॉर फूड सेगमेंट। इज टाटा पेपर वर्किंग टू डिसॉल्व द इशू और इट हैज बीन ऑलरेडी ओवरकम? एग्जैक्टली, सो हमने काफ़ी कुछ करा है। इनफैक्ट वी आर द वन ऑफ द मिल्स हु हैज़ लैंड डिस्चार्ज परमिशन। वी हैव सेट अप 100 एकर्स अराउंड यूकलिप्टस प्लांटेशन और हमारा ETP बिल्कुल अप टू डेट है और DOD COD लेवल्स को पूरा कंट्रोल करने के बाद वी यूज़ आर ओन वाटर फॉर इरीगेशन ऑल्सो इन द 100 एकर यूकलिप्टस सेटलमेंट। आप देख सकते हैं पीछे जितने ग्रीन बेल्ट है दैट इज़ ऑल प्लांटेड बाई अस एंड वी आर वन ऑफ द फ्यू मिल्स हु इज़ taken care of this problem successfully. Given the low level of finished craft paper prices, what waste paper scenario are you considering? Do you think the prices of finished paper will continue to decline or increase in the near future? मेरा personal gut feel है कि जितना capacity अभी भी increase हो रहा है, आप अभी भी सुन रहे हैं कि around 1000 tons per day के plants under process of commencement या realization है, तो मुझे लगता है ये आगे जाके टाइट ही रहता है।